नीट पेपर लीक का गुजरात कनेक्शन भी देखिए सामने आया है। गोधरा से एक टीचर समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नकल कराने के लिए 10-10 लाख में हुई थी पूरी डील। अब तक 2.5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। पैसे लेकर नीट परीक्षा पास कराने का ये पूरा गोरख धंधा उजागर हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हुए हैं, चौंकाने वाले भी कुछ खुलासे हुए हैं। कई अलग अलग याचिकाएं दाखिल हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज एक फ्रेश याचिका और नई याचिका दाखिल की गई है। गोधरा में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। आशीष, अभी तक कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले में? साथ ही साथ एनटीए से जवाब जो मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वो जवाब एनटीए को कब तक देना होगा और एनटीए क्या अब इस बात को स्वीकारेगा कि पेपर लीक हुआ था? नहीं रचना, माफ करिएगा अंजलि, मुझे लगता है कि ये सवाल ये है कि क्या पटना के बाद जो गुजरात है, गुजरात का गोधरा, वो दूसरे सबसे बड़ा एपिक सेंटर है क्या? मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि जो जांच की गई, जो गुजरात पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी, उसकी डिटेल सुप्रीम कोर्ट में कल एक याचिका दाखिल हुई थी, उसमें उस बात की जानकारी दी गई थी। कई दिलचस्प पहलू हैं। पहले उस पहलू पर आ जाते हैं। एक भूगोल के वहां पर टीचर हैं जिनका काम था वहां पर लोगों को, बच्चों को परीक्षा दिलवाना। आरोप ये है कि उन्होंने 10-10 लाख रुपए बच्चों से लिए हैं। दूसरी सबसे दिलचस्प बात कि वहां पर 1000 किलोमीटर से जो दूर से बच्चे हैं वो वहां पर उस सेंटर पर परीक्षा देने गए। अब 1000 किलोमीटर क्या है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, यानी इन 5 स्टेट से लोग पेपर देने के लिए बच्चे वहां पर जा रहे हैं। तीसरी अहम बात, पुलिस ने इस मामले में पूछताछ कर दी है, शुरू कर दी है और सारी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करनी शुरू कर दी है। चौथी सबसे अहम बात, क्या नीट के आगत, क्योंकि इस पूरे जो याचिका दाखिल हुई थी उसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कल कि क्यों ना इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। तो दो अलग अलग एंगल्स पे चीजें चली गई हैं। अंजलि, इस बात को समझिए आप, पहली नीट पेपर लीक मामला और दूसरा कि क्या जानबूझकर कुछ छात्रों को कुछ चुनिंदा जगहों पर, यानी सेंटर्स पर आने की प्राथमिकता दी गई ताकि वो वहां पर अपनी चीजों को, यानी वो एग्जाम पास कर सके, नकल कर सके, उन्हें नकल कराया जा सके। ये बहुत बड़ा इशू है। नीट भले ही पल्ला झाड़ ले, लेकिन एफआईआर तो झूठ नहीं कहेगी ना। एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज किया है ना, गिरफ्तारियां तो हुई है ना, जांच तो चल रही है ना। अगर पेपर लीक ही नहीं हुआ नीट के हिसाब से मांग ले तो फिर एफआईआर क्यों दर्ज हुई, जांच क्यों चल रही है, लोगों को समन क्यों जा रहा है, गिरफ्तारियां क्यों हो रही है, पूछताछ क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए थी ना। यानी कहीं गड़बड़ झाला है जिससे एनटीए जो है वो अपने आप का अपना पीछा जो है वो छुड़ाना चाहता है। बिल्कुल, एनटीए की ओर से भले ही पल्ला झाड़ा जा रहा हो, लेकिन देखिए जांच जैसा कि आशीष ने कहा कि हो रही है और वो आश्वासन भी याद आता है, कल जो धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आशीष दिया गया, आश्वास किया गया छात्रों को कि किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अब देखना होगा जांच की आंच किस किस तक जाती है और एक्शन क्या लिया जाता है। जैसा कि सरकार की ओर से, खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कहा गया कि सभी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपका शुक्रिया आशीष, फिलहाल इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।